गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग और देश का हर कोना हो, जहाँ भी जाते हैं सबके मुंह पर एक ही बात, अब की बार बोलते ही आवाज़ आती है 400 पार। और ये 400 पार इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय 60 वर्षों की तुलना में 10 वर्ष भारी दिखाई देते हैं। देश के विकास के साथ सांस्कृतिक उत्थान, देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ हमारे जवानों के हौसला अफजाई, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हुआ है वो अतुलनीय है। इसलिए अब की बार 400 पार का यह नारा फिर एक बार मोदी सरकार में तब्दील होगा और एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मतदान हो गया, इस मतदान के सभी चरणों के पूरे होने के बाद स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 4 जून का देश इंतजार कर रहा है और 4 जून को 400 पार का नारा निश्चित रूप से पार्टी का नहीं, ये जन जन का नारा है और यही जन जन की आवाज बन चुका है, यही 400 पार में तब्दील करेगा। राजस्थान की बात की जाए, क्योंकि दो बार के चुनाव में 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, आप राजस्थान भाजपा के मुखिया है, इस बार क्या उम्मीद करें, क्या हैट्रिक लग पाएगी, क्योंकि विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि इस बार डबल आंकड़ा कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं अशोक गहलोत। ये तो 156 विधानसभा में भी बोल रहे थे तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। अब गहलोत साहब को मैं कहूँगा कि दूसरी बार आपने लॉन्चिंग की है, जालौर का रिजल्ट आने वाला है और 4 जून को जनता आपको वो आईना दिखाने वाली है। राजस्थान में अच्छा कौन कौन सी सीटें लग रही हैं पार्टी को जो जीतने जा रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं पहली सीट से। आर्य साहब पहली, अब सीटें काउंट करने बैठेंगे तो आप शुरू से ऊपर से काउंट कीजिए, कोई बात नहीं, टाइम है आपको सुन लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, लिखो आप नोट कीजिए, टाइम डिबेट के 22 मिनट ही हमारे पास है, टाइम है, बोलिए लिख, हाँ नोट कीजिए, लिख लीजिए। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल आखिरकार राजस्थान 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को, 18 से 23 यानी हैट्रिक नहीं बन रही है 25 से 25 सीटों का इस एग्जिट पोल के अगर अनुमान को माने तो, नतीजा नहीं है ये, नतीजा 4 तारीख को आएगा, नतीजा नहीं है, नतीजा 4 जून को, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी को 2 से 7 सीटें रविंद्र आप ये देख रहे हैं, बड़ी रेंज है, 2 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले 2 चरणों में 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस को 2 से लेकर 7 सीटें मिलने का अनुमान राजस्थान में जताया जा रहा है, बीजेपी को 18 से 23 सीटें, मतलब ये कि अगर 18 सीटें बीजेपी की आती है तो 7 सीटें उस तरफ कांग्रेस की आती है, अगर 23 सीटें तक बीजेपी की आती है तो दूसरे हाफ पर 2 सीटें कांग्रेस की आती ही दिखाई देती है, तो कुल मिलाकर दो सीटें मतलब एक तरह से मिनिमम यहां पर कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये कांग्रेस की मान के चले कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है या कई हलकों में इस बात की चर्चाएं हैं कि 2 से ज्यादा हो सकता है, तो जैसे हम बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी आंकड़ों के साथ साथ हेमंत अब यहां पर तमाम प्रत्याशियों की तरफ से ये भी अनुमान और कयास लगाए जाएंगे, क्या दौसा की सीट है, ये भरतपुर की सीट है, रविंद्र सिंह भाटी वाली सीट पर क्या फिर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि रविंद्र सिंह भाटी की सीट का मतलब यही। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, मेगा एग्जिट पोल को लेकर के एक एक करके आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं और देश की तस्वीर क्या बनने वाली है उसका सबसे सटीक आकलन आपके सामने रखते हुए और लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सीधा हम रुक कर लेते हैं जोधपुर का हॉट सीट, जोधपुर जहां पर केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में और एक बार फिर से क्या जनता उन पर भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है। जी रंजन, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है वहां से आंकड़ों को लेकर के एग्जिट पोल के? देखिए मैं बताना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि निश्चित तौर पर जोधपुर हॉट सीट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से चुनाव मैदान में है, अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है और मेरे साथ में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के सामने चुनाव लड़ चुके हैं राजेंद्र गहलोत। और उसके साथ साथ इस बार के अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली हरियाणा में भी कमान संभाले हुए थे।
पहली प्रतिक्रिया एग्जिट पोल आया है कांग्रेस के साथ खाते में दो सीटें बता रहे हैं, बाकी सीटें भाजपा, 25 वाला जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है, हालांकि ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 25 का जो हमारा लक्ष्य है और 400 पार का जो हिंदुस्तान का लक्ष्य है वो लक्ष्य हमारा पूर्ण होगा। 400 पार भारतीय जनता पार्टी, जनता के बाहर कांग्रेस और विपक्ष, लोकतंत्र की ये विशेषता है। और लोकतंत्र में जनता 10 साल के जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं उनको देख रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति देश की जनता की आशा और विश्वास है। इस कारण मैं कह सकता हूँ राजस्थान में 25 सीटें आएगी और हमने हमारा जो लक्ष्य तय किया 400 पार उसके आसपास हम पहुंचेंगे। और आज विपक्ष जिस तरह से सोच रहा है उनके सपने कभी टूट गए, हिंदुस्तान की जनता ने उनको नकार दिया, हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया। जोधपुर की जनता की बात करें, किस तरीके से आप क्या दावा करने वाले? हिंदुस्तान में जोधपुर है और जोधपुर में हम विजयी होंगे और अच्छे बहुमत के साथ विजयी होंगे। जो अपने ये सपने देख रहे हैं ना, उनके सपने एक दो दिन उनको और देखने दो और 4 तारीख को उनके सपने टूट जाएंगे, सपने टूट जाएंगे। अचल सिंह जी, आपने साथ में काम किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के, क्या कुछ देख लें? ये पूरा ऐतिहासिक चुनाव होगा इस बार का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा, और इतिहास लिखा जाएगा इस बार भारत में। और 400 पार का लक्ष्य हासिल करने वाले हैं और जोधपुर में भी पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत रहे हैं। और राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं, 25 सीटें जीतने वाले। एग्जिट पोल पर कितना क्या विश्वास रखते हैं? मैं देश के पत्रकारों में प्रेस पर पूरा विश्वास है, हम लोकतंत्री परंपराओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो अभी हमारा एग्जिट पोल आया है उसमें कुछ हो गया होगा, समय के साथ कल और बदल जाएगा और 25 सीटें हम जीतेंगे और जोधपुर भी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, जोधपुर भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, 400 पे अभी भी कायम है और 25 के 25 सीट राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है, ऐसा दावा है राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत का। इसके पीछे कारण यह है कि अभी राजस्थान विधानसभा में जिस तरह का हमें बहुमत मिला है और जिस तरह से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जिस तरह के काम करके, जो पेपर लीक का मामला था, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको कंट्रोल किया और आम लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पानी, बिजली, सड़क की जो समस्या थी उसके समाधान में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं कह सकता हूं इस भीषण गर्मी का जो पानी की जो कमी है इसका परिणाम पिछली सरकार कांग्रेस सरकार जिस कारण थी। पर हमारे तो बिल्कुल रंजन, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार आपकी राय भी हम बीच में लेते रहेंगे। राजेंद्र गहलोत को सुन रहे थे, निरंजन पोद्दार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पोद्दार साहब, अगर मैं वीवीआईपी सीटों की राजस्थान में बात करें, एक बार फिर से आपका स्वागत। तो ये जो आंकड़े इस वक्त हम बता रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के, खासतौर पर जोधपुर की बात की, अलवर कोटा की बात कर लें, बीकानेर की बात कर लें, बाड़मेर चर्चाओं में रही उसकी बात कर लें, चूरू की बात कर लें, क्या लग रहा है कौन सी वो सीटें होंगी जो बीजेपी के हाथ से फिसलेगी? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही थी जी। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ चीजों के अंदर गलतियां कर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, अहम और वहम सबके लिए खतरनाक है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अहम और वहम के अंदर, मेरे को इको आ रही है हेमंत जी, थोड़ा सा ठीक करवाइए। आपकी आवाज हम ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, इको भी ठीक कर रहा है, आप बोलिए जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटें राजस्थान में लूज कर रही है। अब इसके अंदर आप पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी सीट, अगर हम इसको बाइफरकेशन अगर इसका हम करें तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए बाड़मेर की सीट भारतीय जनता पार्टी की फंस के खड़ी हो गई। फंस की क्या, मैं तो ये मान के चल रहा हूं बस, बल्कि लेकिन अलवर लोकसभा में रोचक मुकाबले के आसार है। हम चर्चा कर ही रहे थे और हेमंत ने जिक्र भी किया कि अलवर सीट पर करीबी मुकाबले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और कोटा सीट पर भी करीबी टक्कर है, करीबी मुकाबला है, नजदीकी मुकाबला है यहां पर प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के बीच।
और ओम बिरला की जीत के आसार इस करीबी मुकाबले में भी और अलवर में अगर हम देखें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में इस बार प्रत्याशी अलवर में बदला था तो बेहद रोचक चुनाव भी रहा। लगातार चुनाव प्रचार को लेकर के भी जो है वो सक्रियता दिखाई दी यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं की, केंद्रीय नेतृत्व की भी। खासतौर पर कोटा सीट पर ओम बिरला की जीत के आसार इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है एग्जिट पोल से निकल करके। जी हाँ, तो अलवर और कोटा ये दोनों रोचक मुकाबले होते हुए नजर आ रहे हैं और राजस्थान के जो एग्जिट पोल हमने बताया उसमें 2 से लेकर 7 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा रोचक होता हुआ इस नजरिए से दिखाई दे रहा है कि ये सीटों का अनुमान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हम निरंजन पोद्दार जी से लगातार बात कर रहे थे, बाड़मेर से आपने शुरुआत की, यहां पर अलवर और कोटा दो चीजें और भी हमने जोड़ दी, आपको क्या लग रहा है बाकी 2 से 7 सीटें जो कांग्रेस मजबूत जिन पर दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के लिहाज से? निरंजन जी। जी रविंद्र जी मैं यही विनती कर रहा था कि जिस तरीके से अब ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, ये भी आपको मैं पहले बता दूं कि मार्च के अंदर 16 मार्च को जब चुनाव की घोषणा हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राजस्थान में से 25 वाली हैट्रिक लगाने की निश्चित रूप से स्थिति थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से टिकटों के अंदर वितरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जिसको कहते हैं कि मैं अभी जैसे मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया अहम और वहम, आज की तारीख में अगर आप वास्तव में देखेंगे तो मेरा यह अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सेफ सीटों की बात करे अपने यहां 25 में से तो भारतीय जनता पार्टी 7 या 8 सीटों को सेफ सीट मान सकती है, जिसको हम ये कहें कि एक शब्द के अंदर ये कह सकते हैं 7-8 चुनाव के नाम लेकर जिक्र कीजिए थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे लोग। रविंद्र जी आज कम से कम ये समझ लीजिए 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर कड़ा मुकाबला, कांटे की सीटें, फंसी हुई सीटें, और उसके अंदर 5-6 सीटें जैसे मैं बता रहा हूं कि आज भी जैसे दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है, बाड़मेर है, नागौर है, या आप यहां पे आ जाइए सीकर है, तो इस तरीके से बहुत सारी सीटें और फंसी हुई तो मैं बता रहा हूं ना 15 से ऊपर सीटें हैं जिनको एक आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है, चाहे उसके अंदर झुंझुनू भी ले लीजिए, उसके अंदर आप चूरू भी ले लीजिए, उसके अंदर मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी इन चीजों के बारे में अगर गंभीरता से नहीं सोचेगी और अगर हमारे जैसे कोई लोग अगर बोलते हैं उनको अगर आज की तारीख में एक बीमारी और हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, इनको केवल अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है, अगर कोई इनको आईना दिखाता है तो ये कहते हैं तू तो पता नहीं किस स्वार्थ में ये बात बोल रहा है, तो कहने का तात्पर्य राखी राठौड़ जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर, मैं फिर उसके बाद आशुतोष जी से यही जानने की कोशिश करूंगा जो सवाल यहां पर निरंजन जी से था, लेकिन पहले राखी जी। नहीं, मुझे लगता है निरंजन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हमने किसी के लिए क्या बोला क्या नहीं बोला, ये मुझे लगता है न्यूज 18 पर इनको स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है, हर चुनाव जो है एक चुनौती की तरह है, हम ग्राउंड लेवल पे जाके लड़ते हैं। अभी भी हमारे चुनाव खत्म हो गए लेकिन आगे के कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के लगातार चलते रहते हैं, एक सतत प्रक्रिया हर बार पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए चलती है। तो मैं तो निरंजन से पूछूंगी कि अगर आपने कुछ बोला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके पास स्टेटमेंट आया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कुछ व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलवर कोटा में अगर कांटे की टक्कर की बात करें और पदार्सा भी कुछ करना चाह रहे हैं, पहले मेरा छोटा सा सवाल है, अलवर और कोटा में कांटे की टक्कर की बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं उसको? जी रविंद्र जी, कोटा तो मैं स्वयं जाकर आई हूं और वहां पे जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति है, आप देखिएगा कि पिछली बार के रिकॉर्ड से बेहतर तरीके से वहां पर हम जीत सुनिश्चित करेंगे। जहां तक अलवर की बात है, भूपेंद्र यादव जी का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उनका लोगों से कनेक्ट है, क्योंकि 19 तारीख को पहले फेज के अंदर वो इलेक्शन हो गया था और उस समय जब मैंने देखा वहां पर लोगों से जो बातचीत हुई, लोगों का समर्थन जो है भूपेंद्र यादव जी की तरफ निश्चित तौर पर था। रविंद्र जब हम गए अलवर में भी गए तो विपक्ष इस बात को उठा रहा था कि भूपेंद्र यादव बाहरी प्रत्याशी हैं, ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग लगातार प्रचारित कर रहे थे। देखिए भूपेंद्र यादव जी का कनेक्ट जो है वो राजस्थान से बहुत दिनों से है, कई वो हम यहां से राज्यसभा के सांसद भी रहे और इनका कनेक्ट जो है वो लोगों से लगातार रहा।
विपक्ष ने तो कई तरह के नैरेटिव उठाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना उनका इफेक्ट हुआ वो हम लोगों ने देखा है। वहां पे हमारी स्ट्रांग संगठन की टीम है, और भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता संगठन, संगठन काम करता है पार्टी के लिए। ऐसा नहीं है कि जालौर में युवराज अगर आ रहे हैं तो सारे कांग्रेस के लोग वहीं पे जाकर के काम करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा संगठन वहां पे स्ट्रांग है, जो भी कैंडिडेट पार्टी डिसाइड करती है उस कैंडिडेट के लिए हम लोग काम करते हैं, और वही काम अलवर में भी हुआ है। कुछ स्पेसिफिक आपसे जानना चाह रही थी राखी राठौर, निरंजन जी आप बताएंगे कि कौन से किसने और कौन सी सलाह दी और नहीं मानी। जी रविंद्र जी, देखिए ऐसा है, राखी राठौर जी अभी कह रही थी, मैं पहले थोड़ा सा उनको बता दूं। देखिए राखी जी, ऐसा है, आप बहुत परिपक्व और सुलझी हुई प्रवक्ता हैं, और मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी इस चीज का आक्षेप नहीं लगा रहा, क्योंकि आप सदा बहुत संतुलन में बात करती हैं किसके लिए क्या बोलना है। लेकिन आपके कई प्रवक्ता ऐसे बैठते हैं कि अगर कुछ भी चीज उनको अप्रिय बता दो, यानी कि आपको अगर कोई चीज की कमी भी दिखा दो, तो वो आपके प्रवक्ता ऐसे टूट करके पड़ते हैं जैसे पता नहीं उनको कौन सी चुट्टी काट ली। अच्छा, अब जिस तरीके से आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं रविंद्र जी, मैं बार बार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि एक मिनट ऐसा रोकना चाह रहे हैं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले दे दें, उसके बाद में वापस आपके पास आएंगे। एनडीए को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है दिल्ली में, कांग्रेस को 0 से लेकर, इसको कांग्रेस को हम इंडिया गठबंधन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही मिलकर चुनाव लड़ा गया था। तो 7 सीटें दिल्ली की हैं, राजधानी की हैं, उन 7 सीटों में या तो खाता नहीं खुलेगा इंडिया गठबंधन का, या फिर 2 सीटें तक यहां पर आ सकती है एनडीए को, या तो पूरी सीटें मिलेंगी साथ ही साथ, या फिर 2 सीटों के नुकसान के साथ ही 5 सीटें मिल सकती है। 2019 के चुनाव नतीजों में हेमंत 7 के 7 सीटें दिल्ली की बिल्कुल बीजेपी के पास आई थी, और एनडीए की इस बार बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो सुनने से लेकर 2 सीटें सर के पास जाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम आशुतोष जी का रुख करते हैं, बहुत देर से उनके पास हम नहा नहीं जा पाए थे। आशुतोष जी स्पेसिफिक तौर पर जरा, एसपी मित्तल साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन आशुतोष जी स्पेसिफिकली वो कौन कौन सी सीटें जहां कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला, और वहां पर नतीजे चौंका सकते हैं, और चूंकि आपने बड़े संयमित तरीके से जो एक प्रोटोकॉल होता है इससे पहले कभी भी कोई दावा नहीं किया था वरिष्ठ पत्रकार होते हुए, जो कि सही भी था, लेकिन अब चूंकि एग्जिट पोल भी आ रहे हैं और अब आप सटीक तरीके से अपनी बातों को खुलकर रख भी सकते हैं, कौन कौन सी सीटें और क्या कारण रहे वहां पर दिलचस्प और कड़े मुकाबले के। देखिए रविंद्र जी, एक बार सीटें के बारे में बात करने से पहले मैं 2 चीज़ें खासतौर पर फोकस करना चाहूँगा। एक तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास में एक अपना सॉलिड कैडर वोटर है। यहाँ यह ऐसे राज्य नहीं है कि यहाँ मुद्दों के आधार पर लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं और अलग होते हैं, यहाँ दोनों पार्टियों के पास अपना कैडर वोटर है और एक वो बड़ा परसेंटेज है। अगर कांग्रेस के पास 30 से 32% कैडर वोटर है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास 35% कैडर वोटर है। तो ऐसे में यहां की सीटों के बारे में आकलन करना निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अलग तरीके का अनुभव रहता है, क्योंकि दोनों के पास सॉलिड वोटर है। लेकिन एक दो चीजों पे मैं खास तौर पर चुनाव में जो मैंने फील किया कि कांग्रेस के लोग जीत के दावे नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अपना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हरियाणा पड़ोसी राज्य राजस्थान का, जहां पर 10 सीटें और 10 सीटों का आकलन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है, एनडीए को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान, और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में। हरियाणा वो राज्य जिसमें पिछली बार बीजेपी को एनडीए को सारी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हरियाणा में मुकाबला कड़ा और कांटे का बताया गया, और उसको अगर मद्देनजर रखें उन अनुमानों को, तो ये एग्जिट पोल में भी तस्वीर हरियाणा राज्य की इन 10 सीटों पर एग्जिट पोल के जरिए सामने आती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, एनडीए को 5 से 7 सीटें हरियाणा में मिल सकती हैं। आपको बता दें कि यहां हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के बाद बनाया गया मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री को बदला गया, उस तरह से कई सवाल भी वहां पर उठे, कई आरोप भी यहां पर लगाए गए, दूसरी तरफ कुछ निर्दलीय विधायकों की तरफ से सरकार से समर्थन भी वापस लिया गया, हालांकि सरकार पर उसकी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो हरियाणा की बात की, दिल्ली की बात की, बात पंजाब की भी, बाकी के फेजेस में यहां पर चुनाव के
हुए थे बाकी के चरणों में, लेकिन दिल्ली और हरियाणा की यहाँ पर बात करें तो दिल्ली में मजबूत स्थिति में एनडीए दिखाई दे रही है, हालांकि 7 सीटें जो जीती थी उनमें से 1 या 2 सीटें लूज कर सकती हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन कांटे की टक्कर है उन सीटों पर भी, और ये कहा जा सकता है कि आखिरकार नतीजा वहां पर कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल किसी के भी पक्ष में आ सकता है। और चूंकि हम राजस्थान की बात लगातार कर रहे थे रविंद्र, हरियाणा और राजस्थान आपस में सटे हुए हैं, ज्यादातर जो हिस्सा है वो सांस्कृतिक तौर पर भी एक महसूस करता है, ऐसे में क्या दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ेगा, ये जो स्थितियां हैं उसे भी समझने की जरा कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पिछली बार का आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कामयाबी एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को मिली थी, जैसे राजस्थान में भी वही हुआ था, लेकिन इस बार क्या होगा ये मोटा मोटा आकलन जो है एग्जिट पोल। आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष जी हाँ, पंजाब की लग रहा है मुझे पंजाब की 13 सीटों का एग्जिट पोल, इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, एनडीए 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पंजाब में बताया जा रहा है। पंजाब वो राज्य पंजाब का जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी, यानी कि अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ हरियाणा में भी 1 सीट कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दे दी गई थी, तीसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चूंकि पंजाब में है और कोई समझौता पंजाब की सीटों पर नहीं हो पाया था या एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, बीजेपी के मुकाबले यहाँ पर चुनाव लड़ा, शिरोमणि अकाली दल ने भी यहाँ पर अलग अलग से चुनाव लड़ा था, और ये सीटें 13 पंजाब के एग्जिट पोल को बताती हुई कि एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान, इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। और पिछली बार की अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें थी, बीजेपी को 2 सीट पिछली दफा मिली थी, तो इस बार लगता है कि बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही, जैसे कि उम्मीद है बीजेपी को कि इसको बढ़त मिलेगी। और एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला अलवर की सीट का, देखिए भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच में ये वीवीआईपी सीटें, कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनावी मैदान में एक बार फिर से उनके सामने आए थे, प्रहलाद गुंजल दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला, अलवर और कोटा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं, कड़ा मुकाबला राजस्थान में कह सकते हैं, पूरी की पूरी 25 सीटें जिन पर अब जो स्थितियां हैं वो कई ऐसी सीटें जहां पर रोचक मुकाबला देखने को मिला है, मतदान के बाद की जो तस्वीरें एग्जिट पोल के माध्यम से आ रही है वो तस्वीर ये कहती है कि ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच में कड़ा मुकाबला। जी हाँ, जाहिर तौर पर कांटे की टक्कर और कड़ा मुकाबला यहाँ पर है, और बढ़त बनाते हुए हालांकि बीजेपी के ही दोनों प्रत्याशी यहाँ पर सीटों पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोटा और अलवर वो 2 सीटें जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प, बड़ा कांटे का रहा है, और इस एग्जिट पोल के नज़रिए से अगर देखें तो बढ़त बनाते हुए हालांकि बीजेपी के भूपेंद्र यादव अलवर से दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां कोटा में भी दिखाई दे रहे हैं। मित्तल साहब से, एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, इन्हीं दोनों सीटों पर ज़रा समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजहें रही थी, रही होंगी ऐसी क्या वजह है कि कोटा में और अलवर में दोनों ही जगहों पर चुनाव फंस सा गया, कांटे का ये मुकाबला हुआ। हाँ, मैं टीवी पे बैठा हूँ, मैं भी न्यूज 18 पे। मित्तल साहब का ऑडियो दे दीजिएगा, गेस्ट जो हमारे जयपुर स्टूडियो में उनका एक बार डाउन कर दीजिएगा प्लीज। मेरा ऐसा मानना है कि जो कोटा और अलवर का जो आपने बताया, चूंकि दोनों हॉट सीट इसलिए है कि क्या नाम से कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़, लेकिन ये दोनों सीट मेरी नजर में तो फंसी भी नहीं, मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की आसान जीत है। लेकिन मैं एक बात यह बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि जो जालोर चिरोई की सीट है, जितने भी सर्वे राजस्थान के आए हैं उसमें जालोर चिरोई की सीट को फंसा हुआ नहीं माना गया। जालोर चिरोई की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को आसान माना गया। आप मान के चलिए जालोर चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में जालोर चुनावी में यदि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है तो फिर क्या नाम से अलवर और क्या नाम से कोटा की मैं सोचता हूँ बात करना कोई ज्यादा सार्थक नहीं होगा। और जितने भी नेशनल की ओर अभी जितने भी सर्वे अभी जो आए हैं जिनकी चर्चा हो रही है,
राष्ट्रीय स्तर पर मैंने उन सबको देखा है, राजस्थान में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही है, 0 से 2 सीटें बताई जा रही है कि क्या नाम से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर तो दो सीटें वो कौन सी आपको लग रही है जो फंसी हुई है कांटे का मुकाबला जहां पर है? फिर ब्रेक लेना होगा मित्तल सर। हाँ जी, मैं बताऊ? हाँ बताइए। देखिए जो नागौर वाली सीट है वो आपको ध्यान हो तो क्या नाम से नागौर की सीट आरएलपी को समझौते में दी गई है, और इस तरह सीकर की सीट है जो वामपंथी दल को सर्वे में दी गई है जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नागौर की सीट है हो सकता है कि क्या नाम से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि जो जो ज्योति बिरला जो कांग्रेस के उम्मीदवार है लगातार जो चुनाव आ दूसरी सीट सर उसके बावजूद क्या नाम सीकर नहीं, दूसरी मेरी जो जानकारी में है हाँ। वो बांसवाड़ा की सीट में मानता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ। तो बिल्कुल मित्तल साहब का ये एग्जिट पोल अगर कहता है कि चाहे बांसवाड़ा की सीट हो या फिर दूसरी तरफ बाद नागौर की, इन दोनों जगहों पर कड़ा मुकाबला है और बीजेपी यहाँ फंसती हुई उलझती हुई पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सभी मेहमानों से मेरा आग्रह है आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो लगातार चर्चा भी जारी रखेंगे और साथ ही साथ एग्जिट पोल के और राज्यों के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। अक्तमेर की सीट पर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं, या दूसरी तरफ बात करें शेखावाटी की, चुरू में सीकर में वहां पर लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। बिल्कुल शेखावाटी की या नागौर की जहां पर जो पिछली बार के सहयोगी थे एनडीए के बीजेपी के वो छिटक गए हनुमान बेनीवाल, इस बार कांग्रेस के खेमे की तरफ से जो है वो लड़ते हुए दिखाई दिए। और नागौर की सीट क्या कुछ कहेगी या फिर तमाम जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो राजस्थान के लिहाज से उनको भी जरा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता। राखी जी आप ही की टिप्पणी की जो आंकड़े राजस्थान को लेकर आप देख पा रहे हैं एग्जिट पोल के, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी 2019 में न्यूज 18 के जो आंकड़े थे, जो 2019 में ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उसमें 22 से 23 सीट जो है वो बीजेपी को दी गई, लेकिन रिजल्ट देखा आपने कि 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में आई। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी आपने एक सैंपल साइज लिया होगा जिसके हिसाब से आपने ये एग्जिट पोल हो, जैसे आप बार बार कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आप देखिएगा फिर से एक बार हम लोग 25 की 25 सीट राजस्थान में हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है। अभी हेमंत जी ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हर एस्पेक्ट का जांच करता है और इतना समय हम लोगों को मिला। क्या राठौर जी पिछली बार की बजाय इस बार जो फिजा है वो बदल गई है, क्योंकि 25 के 25 का आंकड़ा बीजेपी की तरफ इस बार तो कम से कम एग्जिट पोल में जाता नहीं दिख रहा है? पिछली बार भी नहीं था, मैं वही बता रही हूँ, आप चेक कीजिए 2019 में न्यूज 18 का ही आंकड़ा बता रहा हूँ। मैडम राखी जी मैं वही हेमंत वही कहना चाह रहे हैं कि 23-24 सीटें पिछली बार के एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिखाई थी, लेकिन इस बार तो 18 तक खिसका दिया ना। देखिए वही बात है, आपने कहा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, आपने जो सैंपल साइज लिया उससे बेहतर तरीके से 4 जून को आएंगे राखी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे जो है उनके, देखो समीकरण क्या थे हेमंत जी ये भी देखना जरूरी है कि उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति राजस्थान में थी, जयपुर में, झुंझुनू में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में कैसी स्थिति थी कि लोग जो है वो टिकट्स को वापस नकार रहे थे, कार्यकर्ता मिल नहीं रहा था। तो जो स्थिति यहां पर थी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन किए, जो उदासीनता उनके कार्यकर्ताओं में थी वो साफ दिखता है कि रिजल्ट्स के रूप में आपको 4 तारीख को नजर आएगी जी। आर्य साहब से जान लेते हैं जरा, कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना जरूरी है। ये 2 से 7 सीटें कांग्रेस की राजस्थान में आती हुई नजर आ रही हैं, कम लग रही हैं क्या? निश्चित रूप से ये सीटें कम दिखाई है एग्जिट पोल ने जो भी दिखाई है, और आप ये बहुत अच्छे से भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे तो वो रिजल्ट वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और निश्चित रूप से भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी राजस्थान में। अच्छा कौन कौन सी सीटें लग रही हैं पार्टी को जो जीतने जा रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं पहली सीट से। आर्य साहब पहली, अब सीटें काउंट करने बैठेंगे तो आप शुरू से ऊपर से काउंट कीजिए। सर कोई बात नहीं, टाइम है आपको सुन लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, लिखो आप नोट कीजिए, टाइम डिबेट के 22 मिनट ही हमारे पास टाइम है, बोलिए लिख। हाँ नोट कीजिए लिख लीजिए। अरे सर याददाश्त तेज है मेरी आपके साथ, सीख रहा हूं कुछ। हाँ बोलिए सुनो, झुंझुनू झुंझुनू ठीक है, चुरू सीकर गंगानगर
बीकानेर चुनाव विश्लेषक जा रहे, सुन लीजिए उनको। जी सर बोलिए 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 बोलिए, आपको सुन रहे हैं हम। अरे सर जी बोलो तो सही, झुंझुनू हमने नोट कर लिए। हाँ हाँ बोल ही रहा हूं मैं। हाँ हाँ नोट कर लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लगातार। अब आप पूरब की तरफ देखिए तो टोंक सवाई माधोपुर है, दौसा है, भरतपुर है, करौली है, हाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर है। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल आखिरकार राजस्थान 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को, 18 से 23 यानी हैट्रिक नहीं बन रही है 25 से 25 सीटों का इस एग्जिट पोल के अगर अनुमान को माने तो। नतीजा नहीं है, नतीजा 4 तारीख को आएगा, नतीजा नहीं है, नतीजा 4 जून को, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी को 2 से 7 सीटें, रविंद्र आप ये देख बड़ी रेंज, बड़ी रेंज में 2 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले 2 चरणों में 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस को 2 से लेकर 7 सीटें मिलने का अनुमान राजस्थान में जताया जा रहा है, बीजेपी को 18 से 23 सीटें। मतलब यह कि अगर 18 सीटें बीजेपी की आती है तो 7 सीटें उस तरफ कांग्रेस की आती है, अगर 23 सीटें तक बीजेपी की आती है तो दूसरे हाफ पर 2 सीटें कांग्रेस की आती ही दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर दो सीटें मतलब एक तरह से मिनिमम यहां पर कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये कांग्रेस ये मान के चले कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है या कई हलकों में इस बात की चर्चाएं हैं कि 2 से ज्यादा हो सकता है, तो जैसे हम बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी आंकड़ों के साथ साथ हेमंत अब यहां पर तमाम प्रत्याशियों की तरफ से ये भी अनुमान और कयास लगाए जाएंगे, क्या ये दौसा की सीट है, ये भरतपुर की सीट है, रविंद्र सिंह भाटी वाली सीट पर क्या फिर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि रविंद्र सिंह भाटी की सीट का मतलब यही कि बाड़मेर और जैसलमेर की सीट पर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। या दूसरी तरफ बात करें शेखावाटी की, चुरू में, सीकर में, वहां पर लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, शेखावाटी की या नागौर की, जहां पर जो पिछली बार के सहयोगी थे एनडीए के बीजेपी के वो छिटक गए हनुमान बेनीवाल, इस बार कांग्रेस के खेमे की तरफ से जो है वो लड़ते हुए दिखाई दिए। और नागौर की सीट क्या कुछ कहेगी या फिर तमाम जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो राजस्थान के लिहाज से उनको भी जरा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। राखी जी आप ही की टिप्पणी की, ये जो आंकड़े राजस्थान को लेकर आप देख पा रहे हैं एग्जिट पोल के कैसे देख? क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं, ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा। मुझे विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। और आप पुराना एग्जिट पोल भी देख लीजिए, वो भी यही कहते थे, आज भी यही है। हमें विश्वास है क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता के काम, पार्टी के काम पर, मोदी जी पर जिस तरह से विश्वास किया है, हमें पता है 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान सुन रहे थे। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जी हाँ, इन तीनों की ही अगर 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये चुनाव हुए, और इसमें अगर यहां पर हम स्थिति को देखें तो ये 6 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की, उसमें से 3 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है और बाकी 3 सीटें इंडिया के पास जाती दिखाई दे रही हैं। तो सतीश जी,